नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यूटीवी हिंदी में। मैं आपके साथ प्रियंका राठौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलशाद हूँ। इससे पहले भी आई थी तो उसके ज़रिए सब लोग मुझे मदद करे हैं, तो अभी मुझे ज़रा ऑपरेशन की ज़रूरत की वजह से और थोड़ा पैसों की ज़रूरत है। रमज़ान का महीना है, देखो थोड़ी बहुत और थोड़ी मदद करे तो मुझे बहुत सबकी तरफ से हेल्प होती है। हमारे फिरोज़ भैया और शकील भैया सब लोग मिलके बहुत मदद कर रहे हैं और सबका शुक्रिया अदा करते करते बोल रही हूँ कि और थोड़ी बहुत मुझे जितना होते उतना मेरे ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरत है, मदद करो बोल के सबको दरख्वास्त करती हूँ। शुक्रिया। पिछली हमने आप वीडियो बनाया था, उससे मदद हुई आपको? हाँ भैया, हुई है मुझे मदद, थोड़ी मदद हुई। अभी फ़िलहाल क्या है ना, ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख तक ज़रूरत है, इसके लिए और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। सबको दरख्वास्त करती हूँ कि जितना तुम्हारे हाथ से होता उतना, रमज़ान का महीना है, मुझे मदद करो। सबका दिल बड़ा है और थोड़ा मुझे जितना होता उतना मुझे मदद करो बोल के कोशिश करती हूँ। अभी आपका इलाज कहाँ चल रहा है, क्या डॉक्टर क्या बताए? डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होने से ज़्यादा तुम्हारा ट्रांसप्लांट जितना जल्दी होता उतना जल्दी अच्छा है बोल के बोल रहे हैं, तो इसके लिए बोल रही हूँ। बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं, एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। जितना जल्दी होता उतना जल्दी ट्रांसप्लांट कर लेना बोल के कोशिश कर रही हूँ। सबको शुक्र अदा करती हूँ, जितना होता मुझे उतना मदद करो। कितना खर्चा, कितने बोले ट्रांसप्लांट के लिए? अभी फ़िलहाल ट्रांसप्लांट का 5 लाख तक बोल रहे हैं। अरे मुझे इससे पहले भी मदद करी है इस न्यूज़ की तरफ से, और थोड़ी मदद करके मुझे ट्रांसप्लांट करके एक थोड़ी मेरी ज़िंदगी, सबके तरफ से मेरी ज़िंदगी दो बोल के दुआ करती हूँ बस। हाँ सर, मैं ऑनलाइन में नंबर दी हूँ और मेरा QR कोड भी दी थी इससे पहले, वही नंबर पे सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद करे है। बस मेरा ट्रांसप्लांट करने के लिए सबको दुआ कर रही हूँ, मेरी एक जान की आपको सबको मांग रही हूँ। मेरी एक बहुत तकलीफ़ है, बहुत रात ना दिन तकलीफ़ में हूँ। घर कहाँ पर आता है आपका? गैंगबोड़ी श्री हॉस्पिटल के पास आता है। आप कहाँ के रहने वाले? कलकेरी निवासी हूँ सर। कितने दिन? मैं आके अभी 5 साल हुआ सर, यही मोहल्ले में हूँ। सब लोग थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे मदद कर रहे हैं, हमारे फिरोज भैया, शकील भैया, सब लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे खाने पीने की भी तकलीफ थी, अभी तक भी मुझे 4 साल से उन्होंने मदद कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं सर। अभी फ़िलहाल उन्होंने ही मुझे घर पर बुला के थोड़ा मेरी तकलीफ़ आके बोलने के बाद बुला के न्यूज़ कर रहे हैं। सबको मैं दरख्वास्त करती हूँ कि जितना आप के हाथ से होता उतना मुझे मदद करो। दिलशाद बेगम। अस्सलाम वालेकुम, सभी को रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आपने पिछले एक दो महीने की पिछली बार हमने एक न्यूज़ की थी, जो किडनी पेशेंट हमारी जो बहन है दिलशाद बेगम, जो मदद की गुहार लगा रही थी कि क्योंकि वो डायलिसिस उनका रेगुलर था, और हमारे बोलने से और हमारे यस न्यूज़ के ज़रिए और हमारी बहन की दरख्वास्त के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मदद भी हो चुकी है। और अभी जो है दिलशाद बेगम मेरी, आप जो ये बहन है, इनकी और एक दरख्वास्त क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट के वास्ते इन्हों दरख्वास्त कर रहे हैं, जिसका खर्च है तकरीबन 5 लाख रुपए। अभी माह रमज़ान का महीना चला है, इस पाक रमज़ान के महीने में हम अगर इस बहन की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो इनकी ज़िंदगी जो है और ज़्यादा अल्लाह वक्त देगा और इनको भरपूर सेहतमंद होंगे। इसी तरह से जो है रमज़ान के महीने में ज़कात जो खैरात है, सदक़ात है, जो भी है, इस बहन मुस्तहिक है, इस बहन की आप भरपूर मदद करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा, तबीयत में सुधार आएगा। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो इनका भी फ़िलहाल इलाज चले, वो 5 लाख रुपये इनकी ज़रूरत है। तो अभी इससे पहले इन्होंने पूरा डिटेल न्यूज़ के ज़रिए आपको बताया है। मैं अब सभी मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को गुजारिश करता हूं कि जितना हो सके भरपूर इनकी मदद करें, भरपूर इनकी मदद करके और इनके लिए सेहत के लिए भी इनकी वास्ते दुआ करें। पिछले दिनों आपने एक वीडियो बनाया था, उससे कितनी मदद हुई क्या पता? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70,000 तक इनको मदद हुई है। एग्जैक्ट कैसा है अभी, उसके बाद मदद तो रुकी है, अगर आप चालू होगी तो इस बहन को भरपूर 5 लाख की अभी ज़रूरत है। तो इनका फ़ोन पे नंबर भी रहेगा स्क्रीन पर और इनका जो स्कैनर कोड रहेगा, हम स्क्रीन पर इसको बताएंगे, आप उस पर डायरेक्ट बहन को ये पैसे पहुंचेंगे।
यही बीजापुर की आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान का महीना है, अब ज़कात सदक़ात वगैरह निकालते हैं, ठीक है, अपने अपने जगहों पर पहले से प्लान होता है, यहाँ पर देना वहाँ पर देना, थोड़ी सी रकम इस बहन को भी देंगे तो इनके किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारी मदद होगी, और इनकी सेहत के लिए भी ख़ास कर दुआ करें कि बहन को अल्लाह शफा करे और सेहतमंद तंदुरुस्त करे। और डायलिसिस, रेगुलर डायलिसिस चला है अभी भी इनका, जो आपने इससे पहले हमारे बोलने से मदद की है उस पैसों से ये बहन डायलिसिस कंटिन्यू अभी तक करा ले रहे हैं। यही कहता हूँ मैं, मेरी बात कहकर मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम इम्तियाज़ मुल्ला, ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।